वर्ष को धर्म दर्शन की इस पावन यात्रा में मैं इंदु आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आइए हम सब मिलकर दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गन्नौर स्थित गुप्ती धाम अतिशय क्षेत्र के। जी हाँ, एक ऐसा पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ आकर मन को असीम शांति प्राप्त होती है, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। क्षण भर में ही हमें मालूम होता है कि हमारे मन का अंधकार एक उज्ज्वल प्रकाश में बदल चुका है। जी हाँ, यही इस पावन भूमि पर आकर मन को पता लगता है कि कैसे गुरु हमारे मन के भीतर फैले अंधकार को पल भर में ही दूर कर देते हैं। जी हाँ, श्रद्धेय गुप्ती सागर जी महाराज एक ऐसे दिव्य संत हैं जो ना सिर्फ हमें भगवत पूजा सिखाते हैं, भगवत आराधना सिखाते हैं, अपितु हमारे मन के जो कलेश हैं, जो अशांति हैं, उसे भी दूर करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करें और उनके आशीर्वचनों से अपने आप को कृतार्थ करें। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। गुप्ती सागर धाम दिल्ली जीटी करनाल रोड पर दिल्ली से 60 किलोमीटर मुख्य राजमार्ग पर लगभग 8 एकड़ के विशाल भूखंड में निर्मित है। गुप्ती धाम अध्यात्म और कला के चितेरे शिल्पी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी की अभिनव मानस कल्पना की अद्भुत सृष्टि है। उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक अलौकिक संत हैं जो केवल जैन धर्म के ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति के उन्नायक भी हैं। उपाध्याय श्री के व्यक्तित्व में विनम्रता, सिद्धांत निष्ठा और आचार दृढ़ता, गुरु भक्ति आदि गुण समाहित है। पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज ने साहित्य चिंतन व सृजन में बहुआयामी विचार देकर जीव जगत साधना उपासना के विभिन्न रूपों और रंगों को मानव कल्याण के लिए प्रेरणास्पद बनाया है। हरियाणा के सोनीपत जिले में गन्नौर तहसील के तहत एक ब्राड गुप्ती धाम के सृजन का मन बरसों वर्ष पहले सज गया। 13-14 वर्ष की साधना लगातार करते 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 हमने गुप्ती धाम तीर्थ का जो निर्माण किया है वो नागर शैली में आप देखेंगे। जो रणकपुर की शिल्प है आज वही शिल्प यह हरियाणा के गन्नौर गुप्ती धाम में दिखाई देती है और देश विदेश से यहाँ अनेक अनेक लोग इसका दर्शन करने के लिए, यह मेडिटेशन करने के लिए समेत चले आते हैं। जगत में जितने ही प्राणी हैं सबसे मेरा प्रीति भाव है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। ऐसी मंगल की कामना करते हुए धर्म दर्शन के माध्यम से इस चीज को देखें। और गुप्ती धाम में एक और मैंने आपको बात रखी है कि जो बच्चे साधन विहीन हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन बच्चों को विद्वान बनाने के लिए निःशुल्क हमने प्रबंध किया है आचार्य ज्ञान सागर विद्यापीठ के माध्यम से, और पूरे देश में वो जाकर के धर्म की प्रभावना करें, प्रचार करें। खम्मा में सबे जीवाणम सबे जीवा खमंतु में मेति में सब भूदेशु वैरम मध्यम में केट भी।